नमस्कार मित्रों, ये कहानी है चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी की ओर से जनता से किए गए वादे के टूटने की। ये कहानी है जनता के सवालों पर विपक्ष के नाकाम हो जाने की, और ये कहानी है लंबे संघर्ष की, और कहीं ना कहीं ये कहानी है लोगों के सवालों को, लोगों के स्वार्थ को, लोगों के हितों की बात को मीडिया द्वारा उठाए जाने में पूरी तरह फ्लॉप हो जाने की। ये कहानी है शिक्षा मित्रों, 5 सालों का लंबा संघर्ष और नतीजा शून्य। पिछले 5 सालों से प्रदेश के शिक्षा मित्र, प्रदेश के अनुदेशक एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। सरकार केंद्र में भी उसी की है जिसकी प्रदेश में है, बावजूद इसके डबल इंजन की सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही, बावजूद इसके कि केंद्र की सरकार ने उनके साथ वादा किया, बावजूद इसके कि प्रदेश की सरकार ने उनके साथ वादा किया, लेकिन कोई भी अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ये हकीकत है और 5 साल की ये कहानी है। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की नौकरी को निरस्त कर दिया गया था, उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई थी। जो समायोजन पिछली सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया था, उनका समायोजन रद्द हो गया था और ये लड़ाई बिखर गई। 5 सालों में उनको अपने संघर्ष का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, और 5 सालों बाद आज 25 जुलाई 2022 को वो काला दिवस, ब्लैक डे मनाने के लिए मजबूर है, काला दिवस मना रहे हैं प्रदेश के शिक्षा मित्र, क्योंकि उनकी नहीं सुनी गई, क्योंकि उनकी मांगे नहीं पूरी हुई, क्योंकि सरकार ने वादा करने के बावजूद उनकी मांगों पर गौर नहीं किया, क्योंकि पिछले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन जाने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ये हकीकत है और ये कहानी है प्रदेश के शिक्षा मित्रों की, और ये कहानी है प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा की भी। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए करीब करीब 1.5 लाख शिक्षक जो शिक्षा मित्र के रूप में इस शिक्षा व्यवस्था को कंधे पर, अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, क्योंकि प्रदेश में जब शिक्षक और छात्रों के अनुपात की बात होती है तब केवल सरकारी शिक्षकों की जो नियमित वेतन पर रहते हैं उनकी चर्चा नहीं होती है। उसको अगर शिक्षा मित्रों को शामिल उसमें नहीं किया जाता है तब तक ये अनुपात पूरा नहीं होता है, और इनको मिलाकर भी अनुपात पूरा नहीं होता है। कहा तो ये जा रहा है कि प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी कमी है, भारी कमी है, और शिक्षक और छात्रों का अनुपात जो होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा में वो अनुपात पूरा नहीं है। बावजूद इसके न तो मौजूदा शिक्षा मित्रों को नियमित किया जा रहा है, न नई बहाली की जा रही है, न शिक्षा मित्रों को जो इस वक्त काम कर रहे हैं और जो 20 साल से लगभग उनकी सेवा हो चुकी है उनमें से किसी तरह की उनको राहत देने की कोशिश हो रही है, उनको किसी आधार पर समायोजन करने की कोशिश हो रही है। और अगर देखा जाए तो सरकार ने उनकी स्थिति को पूरी तरह से इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। 5 सालों तक सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए करीब करीब 1.5 लाख शिक्षकों के, शिक्षा मित्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं की है। वो महज 10,000 रुपये के मानदेय पर काम कर रहे हैं, और वह 10,000 मानदेय भी उनको 11 महीने के लिए मिलता है। ये स्थिति है, और इस स्थिति में परिवर्तन के लिए तमाम तरह की कोशिशें शिक्षा मित्रों की ओर से की गई, उनके संगठनों की ओर से की गई, तमाम मीडिया संगठनों की ओर से उनकी आवाज़ को बुलंद किया गया। तमाम पिछले जो चुनाव हुए थे 2022 के, उसमें ये चुनावी मुद्दा भी बन गया था, बावजूद इसके कोई असर नहीं पड़ा, और शिक्षा मित्रों के समायोजन का सवाल, अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का सवाल अनुत्तरित है। उसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ चुप्पी है, सिर्फ चुप्पी है। और अब जब हालात बेकाबू हो चुके हैं, शिक्षकों का धीरज टूटता जा रहा है, शिक्षा मित्रों का धीरज टूटता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। 25 जुलाई 2022 को शिक्षा मित्र ब्लैक डे मना रहे हैं। इससे पहले भी काली पट्टियाँ लगाकर वो काम कर चुके हैं,
इससे पहले भी वो काली पट्टियों के जरिए अपनी स्थिति के बारे में विरोध जता चुके हैं, लेकिन इन तमाम आंदोलनों का, इन तमाम विरोधों का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए 1.5 लाख शिक्षकों के बारे में ये अनिर्णय की स्थिति कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा के विकास को, प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की लापरवाही को दिखाता है और ये बताता है कि प्राथमिक शिक्षा को किस तरह से चलाया जा रहा है। केवल कायाकल्प के नाम पर स्कूलों की बिल्डिंगों को चमका देना या संसाधन कुछ जुटा देना, इससे शायद प्राथमिक शिक्षा का कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए तमाम शिक्षक और शिक्षा मित्रों के वेतनमान में उनके जो काम करने के जो सुविधाएं हैं या उनके काम करने को लेकर जिस तरह की सरकार उनको सहूलियतें दे रही हैं उस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं होता है, कोई ठोस नीति सामने नहीं आती है, तब तक ये उम्मीद करना बेमानी है कि ये शिक्षा व्यवस्था सिर्फ बिल्डिंगों से चल जाएगी, ये शिक्षा व्यवस्था कैंपस को सुंदर बना देने से चल जाएगी, ये शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में रंग रोगन कर देने से चल जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का दर्द ये भी है कि पड़ोस के प्रदेश में, बिहार में और उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों की वेतनमान में, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। उनको वहाँ भी समायोजन नहीं मिला है, लेकिन कम से कम उनके मानदेयों में बढ़ोतरी करके उनकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ा है। एक बार विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव भी आया, इसके बारे में बजट में चर्चा भी हुई, लेकिन आखिरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा। और उनका दर्द इस वक्त इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का या उनके साथ काम करने वाले शिक्षकों का जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं उनके वेतनमान में, उनके डीए में, उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा रही है। और अभी तो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है और एक तरफ महंगाई बढ़ रही है लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय जस का तस बना हुआ है। ये सबसे बड़ा दर्द है। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि 20 साल से लगातार वो इस तरह की सेवा में बने हुए हैं लेकिन उनको कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। और यही वजह है कि कम से कम 8,000 शिक्षा मित्र हताशा की वजह से, किसी कारणों की वजह से वो अपनी जान दे चुके हैं या उनकी मौत हो गई है अलग अलग कारणों से। इन सब के बावजूद सरकार ने कभी जो कमेटी बनाई थी शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर अध्ययन करने के लिए, उस कमेटी का क्या हुआ, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई, इसके बारे में कहीं किसी को कोई जानकारी नहीं। सबसे बड़ी बात कि शिक्षा मित्रों के लिए आंदोलन करने वाले तमाम संगठन भी इस पूरे मामले में पूरी तरह से और बुरी तरह से फेल हुए। हालत ये है कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ने वाले तमाम नेता, अगर देखा जाए तो उसमें से कई नेता सरकारी आशीर्वाद प्राप्त करके अलग अलग तरह की सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बीच में कई ऐसे लोग भी सामने आए जो सत्ता के साथ शिक्षा मित्रों के लिए कुछ बार्गेन करना चाहते थे, उनकी अपनी स्थिति में बदलाव आ गया, लेकिन शिक्षा मित्रों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, शिक्षा मित्रों की हालात में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। अनुदेशकों का भी यही हाल है। अनुदेशकों के बारे में सरकार ने पिछले सरकार में घोषणाएं की और इस सरकार के आने के बाद यानी योगी 2.0 की सरकार ने उनके मानदेय में 2,000 की बढ़ोतरी की, लेकिन उससे भी अनुदेशकों का काम नहीं चल रहा है, उससे भी अनुदेशकों की स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं माना जा सकता है। जिस तरह की भूमिका में वो हैं, जिस तरह की भूमिका में अनुदेशक हैं, जिस तरह की भूमिका में आज शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, उनकी भूमिकाओं को देखते हुए, प्राथमिक शिक्षा में उनके योगदान को देखते हुए उनके जो मानदेय मिल रहे हैं वो नाकाफी हैं। और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अगर सरकार का रवैया सकारात्मक होता तो इसकी जाँच होती कि कौन शिक्षा मित्र कितनी प्रभावी ढंग से काम को कर रहा है, काम को कर पाने में सक्षम है, इसकी एक सूची बन सकती थी, इसकी एक जानकारी इकट्ठा की जा सकती थी कि कौन शिक्षा मित्र सक्षम है। इसमें से बहुत सारे शिक्षा मित्र DET पास कर चुके हैं और वो समायोजन के लिए अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो भर्तियां निकलती हैं उसमें तमाम तरह की अड़चनें सामने आती हैं, अदालतों का मामला सामने आ जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और तरह तरह की अड़चनों के कारण उनका समायोजन नहीं हो पा रहा है।
सरकार का रवैया इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इतना लापरवाही भरा है, इतना लापरवाही भरा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चिंता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरी चिंता के साथ मुख्यधारा की मीडिया भी इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो समस्याओं को उस तरीके से सरकार के सामने या लोगों के सामने नहीं रख पा रही है। प्राथमिक शिक्षा का सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें प्रदेश के गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं। अगर प्राथमिक शिक्षा के प्रति प्राथमिक शिक्षक शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार की ये उदासीनता रहेगी तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था में कोई खास बदलाव नहीं आ पाएगा। इस चिंता के लगातार जाहिर करने के बावजूद कुछ सेक्टर में इसको लेकर चिंता जताई जा रही है लेकिन इस चिंता से सरकार पूरी तरह से मुंह मोड़े हुए और कहा जाए तो इसके प्रति लापरवाह है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक मामला भी दिखाई देता है। सवाल उठता है कि नई सरकार जिसने वादा किया था शिक्षा मित्रों से कि इसको लेकर प्रयास किए जा सकते हैं, इसको लेकर स्पष्टता के साथ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा सकती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको लेकर कोई पैरवी नहीं की और जाहिर है कि पैरवी नहीं हुई और इसकी वजह से शिक्षा मित्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इसको सिर्फ जटिल बनाने की कोशिश की गई है जबकि यह मामला इतना साधारण है, इतना सामान्य है, इतना सीधा सा है कि अगर सरकार को इससे व्यवस्थित करना है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इन शिक्षा मित्रों में कौन ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो प्रशिक्षित हैं और उनको एक परीक्षा में शामिल करके उनकी योग्यता का आकलन किया जा सकता है और उनको नियमित किया जा सकता है, बाकी के लिए अवसर दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ने इस तरह की कोई कोशिश करने की कभी तैयारी नहीं की, ना इसको लेकर कोई भंसा जुटाई। इस पूरे मामले को सियासी वजहों से उलझाकर रखा गया है। इस पूरे मामले को शिक्षा मित्रों के संगठन के नेतृत्व विहीनता की वजह से अभी तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है। शिक्षा मित्रों की बदहाली को लेकर आने वाले समय में क्या होगा इसको लेकर पूरी तरह से अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा मित्रों का आंदोलन लंबे समय से चला आ रहा है, इस आंदोलन के गुजर जाने का भी अंदेशा है जिसको ब्लैक डे के रूप में आज प्रदेश भर के उत्तर प्रदेश के पूरे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों और शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए उनके समर्थक उनके परिवार वाले ब्लैक डे मनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा।